आज मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय को समझ लें। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 में हुआ था। इनके माता पिता का निधन इनके बचपन में ही हो गया था, जिस कारण इनका आरंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। दसवीं तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, क्योंकि ये बहुत ही मेधावी होनहार थे। इनके पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं में कुछ रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनवाणी, नई धारा इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने रचना यात्रा की भी वर्णन किया, जैसे चिता के फूल जो कि कहानी है, अम्बपाली एक नाटक है, माटी की मूर्तें इत्यादि ने उनको प्रसिद्धि दिलाई। इसके अलावा नई नारी, सीता की मां शकुंतला, नेत्रदान, तथागत, माटी की मूर्तें, ये सब जो रचनाएं थीं बहुत ही ज्यादा इनके लिए इनको प्रसिद्धि दिलाने में सहायक हुई। इसके साथ ही साथ राम वृक्ष बेनीपुरी ने साहित्य की सभी विधाओं पर कलम चलाई, मतलब साहित्य से जुड़ी हर विधा जो थी सभी के बारे में उन्होंने रचनाएं की। बेनीपुरी जी की भाषा सरल, सुबोध और बहुत ही ओजपूर्ण थी। उनकी भाषा की जो खास विशेषता थी वो छोटे छोटे वाक्यों में बहुत ही सटीक शब्द का प्रयोग किया करते थे। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही साथ उर्दू, फारसी, देशी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। अब आप बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे। बाल गोविंद भगत एक इस पाठ का चरित्र है, जिसके इर्द गिर्द ही इस कहानी को लिखा गया है। ये ग्रामीण, इस पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्र खींचा गया है। गांव की जुड़ी हुई हर घटनाओं का इसमें वर्णन है। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ और साधु के मिले जुले रूप वाले चरित्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ जीवन का मतलब है कि उनका एक परिवार था, एक बेटा थी, एक बहू थी, तो इसलिए वो गृहस्थ थे। लेकिन गृहस्थ होने के साथ ही साथ उनका जो रंग ढंग था, उनका हर चीज, वो साधु सन्यासियों जैसा था। साधु सन्यासियों जैसा वो आचार व्यवहार करते थे।
अपने जीवन भर उन्होंने अपने नेम धर्म का पालन किया। इसलिए ये पता चलता है कि वेशभूषा मीन्स पहनावे या अनुष्ठान से ही कोई सन्यासी नहीं होता। यानी सन्यासी के लिए जरूरी नहीं है कि वो गेरुआ वस्त्र पहने और धार्मिक अनुष्ठान करे। गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यास धर्म का पालन किया जा सकता है, अपने कर्तव्यों का पालन किया जा सकता है। अब बाल गोविंद भगत के बारे में हम जानेंगे। बाल गोविंद भगत 60 साल के ऊपर के व्यक्ति थे और कबीर के जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति थे। कबीरदास जी के बारे में आप जानते हैं, कबीरदास जी को आपने पढ़ा भी है। तो बाल गोविंद भगत 60 साल से ऊपर के कबीर की तरह दिखने वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनकी सफेद दाढ़ी से उनका चेहरा चमकता रहता था। वस्त्र के नाम पे वो अपने कमर में सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों सी टोपी होती थी। कबीर पंथियों की टोपी मीन्स कान के दोनों साइड से वो टोपी फटी, फटी का मतलब कान के दोनों साइड से वो कन फटी टोपी थी। वहां पे कान के साइड पे कट मार्क वाली टोपी थी, तो उसको कबीर पंथियों सी टोपी कही जाती है। और जब जाड़ा पड़ता था तो सिर्फ एक कंबल ओढ़ लिया करते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका लगा होता था। रामानंदी टीका का मतलब नाक के एक छोर से दूसरे छोर तक। और गले में वो तुलसी की बेडोल माला पहनते थे। आपने समझ लिया कि बाल गोविंद भगत वस्त्र के नाम पे एक लंगोटी धारण करते थे, माथे पर रामानंदी टीका लगाते थे, सिर पर उनके कबीर पंथियों सी एक कनफटी टोपी होती थी और गले में तुलसी की एक बेडोल माला होती थी। बाल गोविंद भगत परिवार में रहते हुए खेती करते हुए भी साधु थे कि परिवार की जिम्मेदारियों को वो उठाते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही किसी से झगड़ा करते थे और ना ही किसी से बेमतलब की बातें किया करते थे। किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु को, किसी की भी चीज को वो छूते नहीं थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वो एक गृहस्थ साधु थे। गृहस्थ साधु यानी घर में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए सन्यासियों जैसा जीवन जीते थे। उनके खेत में जो कुछ भी अनाज पैदा होता था वो उसे काट करके कबीर मठ ले जाया करते थे, क्योंकि कबीर को अपना साहब मानते थे। और कबीर मठ में ले जा करके उसको दान कर देते थे। दान के बाद उनको भेंट में जो भी कुछ मिल जाता था उसे प्रसाद समझ करके अपने घर में ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। मीन्स उनके मन में लालच नहीं थी। जो कुछ भी उनकी खेत में पैदावार होती वो उसे कबीर मठ में ले जाके दान कर देते थे। दान स्वरूप जो भी मिलता था उसे प्रसाद समझ करके घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत की एक दूसरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी कि वो बहुत ही मधुर गीत गाते थे। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी। आपने पहले सुना कि वो कबीर के ही गीतों को गाते थे, तो
उनके सीधे सादे से जो भी गीत होते थे, ऐसे लगता था कि वो सजीव हैं। उनके गीतों में एक जीवन झलकता था। अब यहाँ पे एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है कि अषाढ़ का महीना है। अषाढ़ का महीना किसको कहते हैं? जब बारिश होती है, और बारिश के टाइम पे गांवों में धान की खेती की जाती है, यानी रोपाई की जाती है। तो वहाँ एक जो चित्र है, ग्रामीण चित्रण किया गया है, वो अषाढ़ के महीने का है, जहाँ बारिश के बाद सभी गांव के वासी जो हैं, वो अपने अपने खेतों में जाकर के धान की रोपाई कर रहे हैं। इससे खेतों में बहुत ही ज्यादा चहल पहल बढ़ गई है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपाई हो रही है। बच्चे धान के पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, और वहीं पर औरतें कलेवा लेकर, कलेवा का मतलब होता है जो उनके पति खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं, तो अपने पतियों के लिए वो नाश्ता लेकर के, गांव में उसे कलेवा कहते हैं, लेकर खेत के मेड़ पर बैठी हैं। खेत का मेड़ आप सभी समझते होंगे, मेड़ यानी जो खेत को डिवाइड कर दिया जाता है, मिट्टी का ऊंचा भाग बना करके, तो उसी मेड़ पर वो औरतें बैठी हुई हैं। बाल गोविंद भगत का जो शरीर है वो पूरा कीचड़ से सना हुआ है, और वो अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगलियां धान रोप रही हैं, और उनके कंठ से, गले से मधुर गीत निकल रहा है, और उनके इसी सुरीले गीत को सुन करके बच्चे झूमने लगते हैं। मेड़ पर बैठी औरतें गुनगुनाने लगती हैं, और जो हलवाहे हैं, हलवाहे यानी हल को जोतने वाले, जो हल से अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं, उनके भी कदम जो हैं बाल गोविंद भगत के गीत से मिलने लगते हैं, और उनके हाथों की जो उंगलियां हैं वो अपने ही धुन में धान की रोपाई को करने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गीत को सुनकर के बच्चे नाचने लगते हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं, हल जोतने वाले एक क्रम में उस सुर में अपने कदम को मिलाते हुए चलने लगते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत के गीत में ऐसा ही जादू था। उनकी और भी क्वालिटियां हैं कि अब जो यहाँ पे वर्णन किया गया है वो भादो के महीने की आधी रात का वर्णन है, कि जब भादो की रात होती है तो वो बहुत ही घनघोर और अंधेरी रात होती है, तो वो अर्ध रात्रि का समय है, यानी आधा रात बीत चुका है और बारिश बंद हो चुकी है, और बंद हो चुकी बारिश में बहुत ही दूर से दादुर और झिंगुर की शोर से जो है वातावरण वो गूंजने लगा। उस पर भगत का संगीत भी सुनाई पड़ता है। वे अपनी खंजड़ी बजाकर गीत गाने गा रहे हैं। खंजड़ी आपने देखी होगी कि बच्चों के खेलने के लिए एक बजाया जाने वाला वाद्य, जो प्लेट के आकार का होता है, और उसमें सुर लगाने के लिए छोटे छोटे दो प्लेट के टाइप को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जिसको हिला के बजाने से उसमें आवाज निकलती है। तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजा करके गाना गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यानी कहने का मतलब है कि जो विरहणी है, विरहणी मीन्स विरह में जलने वाली, यानी बहुत दुखी औरत है, वो अपने आप को अकेला समझ करके चिहुक उठती है, और अंधेरे में भगत का, बाल गोविंद भगत का जो संगीत है अचानक से लोगों को चौंका देता है।
कि जहाँ पे सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन भगत का संगीत जो है वो खुद जाग करके दूसरों को भी जगा रहा है। उस पे ये दूसरा गीत गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब सुबह का वर्णन है कि कार्तिक का महीना आते ही, कि जब कार्तिक का महीना लगता है तब भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। भगत की प्रभातियां, प्रभातियां यानी प्रभात के समय, प्रभात मीन्स भोर के समय में जो गाना गाया जाता है उसे प्रभातियां कहते हैं, जो फागुन माह तक चलता है। उनकी ये प्रभातियां कार्तिक महीने से शुरू होती हैं और फागुन महीने तक चलती रहती हैं। वो बहुत ही सुबह गांव से 2 मील दूर नदी को जाते हैं, वहां से नहा धोकर लौटते और पोखर के भिंडे पर बैठकर, भिंडा मीन्स कि वही तालाब के पास एक ऊंचाई पर टीला, भिंडा हम टीले को कहते हैं, बैठकर वो अपनी प्रभातियां गाते। लेखक यहाँ अपने बारे में बताते हैं कि जो वो देर तक सोने के आदि थे, जब भगत की प्रभातियां को सुनते तो वो भी वही उसी तालाब के पास पहुंच जाते। वातावरण में चारों ओर कोहरा छाया रहता क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती, और ऐसे रहस्यमय वातावरण में भगत अपनी चटाई बिछाए, पूरब को मुंह किए लगातार खंजड़ी बजाकर गीत गाते जाते और अपने गाने में इतने मस्त हो जाते कि उत्तेजित होकर के, खड़े होकर के वो नाचने लगते। ऐसी सर्दी में लोग कांपने लगते, लेकिन नाचते नाचते भगत के माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगती। अब गर्मी का वर्णन है कि गर्मियों में भगत की संझा यानी शाम उमस से भरी होती और कभी कभी शीतलता प्रदान करती। वे अपने घर के आंगन में आसन लगाकर बैठते और उनकी जो मंडली होती, मंडली यानी उनकी संगीत मंडली, वो भी वहीं जुट जाती। झांझ और करताल लेकर के फिर सब शुरू हो जाते। बाल गोविंद भगत का गीत चलता और उनकी मंडली गाते गाते उसे दोहराती, निश्चित लय ताल स्वरों के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते और ऐसा लगता कि देखते ही देखते भगत बीच में नाचने लगते और सारा आंगन संगीतमय हो जाता। अब यहाँ पे भगत के पुत्र की बात की गई है कि भगत का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था जो बहुत ही सुस्त और बूढ़ा था। भगत का ये मानना था कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्यार मोहब्बत के हकदार होते हैं, यानी जो सुस्त होते हैं, बोधे टाइप के होते हैं, उनको प्यार मिलना चाहिए। उन्होंने बड़ी इच्छा से अपने बेटे की शादी कराई। बहू ने आते ही घर को बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ संभाल लिया। इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उसने दिखाई कि उसने काफी हद तक बाल गोविंद भगत को घर के जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। एक बार की बात है कि जब लेखक कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी, भगत के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि भगत बेटे को आंगन में लिटाकर चादर से ढके हुए थे। ये देखकर के लेखक को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपने बेटे के सिरहाने पर एक दीपक जलाकर रख दिया था और उसके सामने बैठकर गीत गाए जा रहे थे। उनकी बहू रो रही थी, वो उसे चुप कराते और उसको ये कहते
कि ये वक्त खुशी मनाने का है, क्योंकि इस मृत्यु से विरहणी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। उनका मानना था कि मृत्यु होने पे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो ऐसी घड़ी में शोक ना मना करके उत्सव मनाना चाहिए। यह भगत के लिए बहुत ही आनंद का क्षण था। लेखक को ये सब देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कहीं भगत पागल तो नहीं हो गए कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु को वो आनंद से मनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन भगत बहुत ही दूरदर्शी थे। उनका मानना था कि क्रिया कर्म में ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसकी मुखाग्नि यानी उसका अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों से करवाया और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर बहू के भाई को बुलाकर उसको अपनी बहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। मीन्स हमारे सामाजिक मान्यता के हिसाब से कि एक विधवा औरत को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने सामाजिक परंपराओं का इस बनी हुई रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया। पहला खंडन कि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों से करवाया, दूसरा उसके भाई को बुला करके उसकी दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। लेकिन भगत की बहू उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसके चले जाने पर बाल गोविंद भगत अकेले हो जाएंगे और इस बुढ़ापे में उनको सहारा कौन देगा। वो बाल गोविंद भगत का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत के तर्क के आगे उसे झुकना पड़ा और वह अपने भाई के साथ चली गई। भगत की दिनचर्या में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो घर से 30 कोस दूर हमेशा जाते थे और गंगा स्नान करते थे। उनके इस स्नान का जो उद्देश्य था वो संत समागम और लोक दर्शन होता था। संत समागम मीन्स स्नान के बाद वो संतों के बीच में बैठते थे और लोगों के दर्शन किया करते थे। वो प्रतिदिन गंगा स्नान पैदल जाते और वापस आते। किसी से वो कुछ लेकर के न खाते थे और न ही पीते थे। कभी कभी उनको पैदल चलते 4-5 दिन लग जाते। एक बार जब वो इस तरीके से लौटे तो उनको बुखार आ गया। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया, लेकिन अपने दिनचर्या को वो तोड़ने वालों में से नहीं थे। वे आराम भी नहीं करते थे। प्रतिदिन शाम को गीत गाते और लोगों के साथ इसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते। एक दिन जब लोगों ने बाल गोविंद भगत के गीत को नहीं सुना तो लोग उन्हें देखने के लिए उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो आपने इस पाठ को पढ़ करके बाल गोविंद भगत को आप समझ चुके होंगे कि उनके बारे में क्या बताया गया कि वो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे, खेतों में जो कुछ भी अनाज होता था वो कबीर के मठ में पहुंचाते थे, वहां प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से ही अपना भरण पोषण करते थे। कभी भी अपनी दिनचर्या का उन्होंने खंडन नहीं किया। सामाजिक मान्यताओं का उन्होंने बनी हुई रूढ़िवादी मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया और अपनी बहू के हाथों से ही अपने बेटे का श्राद्ध कराया। जहां मृत्यु होने पे लोग शोक मनाया करते हैं, वहां पर बाल गोविंद भगत ने मृत्यु को परमात्मा से मिलन बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो बाल गोविंद भगत ऐसे ही थे। हर परिस्थितियों में उन्होंने अपने नियमों का, अपनी दिनचर्या का उसी तरीके से पालन किया जैसे वो अपने
अन्य दिनों में किया करते थे। इस तरीके से करते हुए वो एक दिन ईश्वर के पास चले गए।